30 लाख साल पहले, कितना 30 लाख साल, 30 लाख ईयर एगो जब पहली बार बंदर जो थे, ठीक है, वो इंसान के रूप में आ रहे हैं। अभी हम लोग आपने सुना होमो सेपियंस बोलते हैं अपने आप को, 30 लाख साल पहले होमो सेपियंस नहीं है, अभी होमो सेपियंस नहीं बने, ठीक है। पहली बार क्या हुआ कि जो बंदर चार पैरों पर चलते थे वो धीरे से पेड़ों से उतरकर खड़े होना शुरू हुए हैं। अब खड़े क्यों हुए, पेड़ से उतरे तो झुके हुए हैं, अब खड़े हो रहे हैं क्योंकि खड़े होने से क्या हो रहा है कि उनके सामने जो ये झाड़ियां हैं बड़ी बड़ी, उससे ऊपर वो देखना चाहते हैं शिकारी कहीं है कि नहीं है। पहले कोई लाइफ क्या है, या तो खाना खाओ या अपने आप को बचो, या मैं शिकार होने से बचो या शिकार करो, बस दो ही चीजें हैं, और तीसरा है कि बच्चे पैदा करो, बस तीन चीजें, बस और कुछ है ही नहीं, ना पढ़ाई ना लिखाई ना जीवन क्या चलाना है। तो बंदर उतरे हैं और वो देख रहे हैं कि भाई शिकार कहाँ है, तो धीरे धीरे इस चीज, इस प्रोसेस में वो खड़े होना शुरू कर रहे हैं दो पैरों के ऊपर। अब जब दो पैरों पर खड़ा होने लगे तो इनके कुछ फायदे भी हुए इनको, कुछ नुकसान भी हुए। पहला फायदा ये हुआ कि ये थोड़ा एक्टिव अलर्ट हो गए, देखने लगे कि शिकारी कहाँ से कहाँ पर आ रहा है, उससे पहले बचने के लिए। लेकिन कुछ दिक्कतें भी आई जो हम पढ़ेंगे, क्या समझेंगे क्या दिक्कतें आई हैं, ठीक है। अब ये सब चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपके आईएसबीसी के सिलेबस में है, ठीक है। सवाल पहला बनता है कि सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई है, शुरुआत ही कहाँ से हुई है, सवाल आया था यूपीएससी में, सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले जो आज का मॉडर्न ह्यूमन सिविलाइजेशन बोलते हैं वो शुरू करता 30 लाख साल पहले केनिया से, ईस्ट अफ्रीका से, नोट करो ईस्ट अफ्रीका से। अगर ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, थोड़ा सा साइड में बना रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर ईस्ट अफ्रीका है, ठीक है। ईस्ट अफ्रीका में केनिया समझ लो, क्या है केनिया, केनिया केनिया देश का नाम है केनिया, ठीक है। आज के हिसाब से केनिया से कुछ लोग, कुछ बंदर वो मूव करना शुरू करते हैं बाहर की तरफ। क्यों मूव करना शुरू करते हैं, क्योंकि अब खाने की कमी पड़ गई है, ठीक है। तो खाना कम पड़ गया है और उनको लगता है कि अगर सर्वाइव करना है तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें आगे मूव करना पड़ेगा। तो धीरे, अभी होमो सेपियंस नहीं बना है, ध्यान रखना अभी हम लोग नहीं बने हैं। जो सबसे पहली प्रजाति जो बाहर जाती है उनको, उसमें दो तीन प्रजातियां हैं, उसमें है होमो इरेक्टस या होमो हिबिलिस, ठीक है, लिखो होमो हिबिलिस, होमो, एक मिनट बताता हूं, होमो हिबिलिस, एच आई बी एल आई एस, ये प्रजाति है। जैसे होमो सेपियंस होते हैं वैसे होमो हिबिलिस है। एक और आएगा आपके सामने होमो इरेक्टस, हाँ ये दूसरी प्रजाति है। अब मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट इसके, ठीक है। ये होमो हिबिलिस, होमो नियथेंडर, नियथेंडर्स, ये तीसरी प्रजाति है। और देन आएंगे आपके होमो सेपियंस। अब लोग ये क्या चीज है, आपने कुत्ते देखे, अलग अलग प्रजाति कुत्ते हैं, है ना, प्रजाति के, कोई लेब्राडोर है, कोई एल्सिशियन है, कोई पमेलियन है, लेकिन रहते तो है ना, तो कुत्ते तो है ना, कुत्ते हैं, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या समझते हैं कि यार हम लोग जो हैं वो होमो सेपियंस हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब इंसानों की भी कई प्रजातियां थी। होमो सेपियंस के आने से पहले, होमो सेपियंस के आने से पहले एक ही टाइम पर अलग अलग प्रजाति के लोग रहा करते थे, होमो हिबिलिस, होमो इरेक्टस, सब रहा करते थे, एक ही टाइम पर रहा है। फिर एक वक्त आया जब होमो, जो होमो सेपियंस आए, होमो सेपियंस का मतलब है समझदार बुद्धिमान मानव, बुद्धिमान मानव। उस बुद्धिमान मानव यानी कि हम लोगों के पूर्वजों ने धीरे धीरे करके इन जातियों को खत्म कर दिया और पूरे दुनिया में राज कर लिया। अब सिर्फ तुम्हें होमो सेपियंस मिलते हैं, ठीक है। हाँ, होमो सेपियंस इसका साइंटिफिक नेम है, सेपियंस का मतलब होता है होमो मींस हमारा जेनस, हैं, ये सब साइंटिफिक नेम है, इतना कुछ नहीं है। सेपियंस मींस बुद्धिमान, बुद्धिमान, हाँ साइंटिफिक, ठीक है। होमो मींस हमारा जो जेनस है वो होमो नाम से है, होमो मींस ह्यूमन, सेपियंस मींस बुद्धिमान, ठीक है। अच्छा अब क्या बता दो,
कि 30 लाख साल पहले जब होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस को लगा कि भाई अब हमारे पास खाना खत्म हो गया है तो हमें यहां से मूव करना चाहिए, तो धीरे धीरे वो मूव करना शुरू करते हैं और ईस्ट अफ्रीका से यानी केनिया से बाहर निकलते हैं। बाहर निकल के धीरे धीरे करते हुए वो नॉर्थ अफ्रीका की तरफ आते हैं। नॉर्थ, अगर आप अफ्रीका का देखोगे तो मान लो ये अफ्रीका का ये है, ठीक है, तो मान लो केनिया है, तो यहां से निकल के ये यहां मूव करना शुरू करते हैं, ठीक है, नॉर्थ रहेंगे। अच्छा, और इस काम में कोई ये एक दो साल में समय नहीं लगा, हजारों साल लगे हैं, हजारों लाखों साल लगे। 30 लाख साल पहले की बात कर रहा हूं मैं आपको, 30 लाख साल पहले। और इस 30 लाख साल के अंदर अगर उसको बहुत ही एनसीईआरटी में डाल दिया जाए तो ये देखो यहां देखा ना, 100 and 1000 of years ago, ठीक है। अगर हम ये देखो, सिर्फ 8000 साल पहले का जो इतिहास है जहां पर आपको एग्रीकल्चर मिलती है, तो मतलब 30 लाख साल में से सिर्फ पिछले 8000 साल पहले की जो बात है जब मॉडर्न टाइम का मतलब एग्रीकल्चर और जानवरों का पालन पोषण ये शुरू होता है, उससे पहले तक इंसान और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा समय 30 लाख साल में, ये खाली 8000 ईयर एगो ही बस सब कुछ खेती वेती शुरू हुई है, ठीक है, लेकिन इंसानों का समय, क्योंकि हमारे एनसीईआरटी हमारे आईएएस पीसीएस के कोर्स में ये पूछता है कि भाई सबसे पहले इंसान कहाँ शुरू हुए, तो वो है ईस्ट अफ्रीका यानी केनिया से शुरू हुए, ठीक है, और वहां से निकल के आगे शुरू हुए, ठीक है। अब नॉर्थ की तरफ गए, अब जब नॉर्थ पहुंचे तो कुछ लोग इधर मुड़ गए एशिया की तरफ, कुछ लोग यूरोप की तरफ चले गए, ठीक है, इधर चले गए तो इधर आ गए, तो अमूमन उन्हें कहते हैं होमो इरेक्टस कहते हैं, जो इंडिया की तरफ आए, एशिया की तरफ आए, ठीक है, और जो यूरोप की तरफ चले गए वो नेथेंडरलैंड कहते हैं उनको, नेथेंडर्स, ठीक है। अब ये लोग वहां गए तो वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से भी इन्होंने एडेप्टेबिलिटी की, एडॉप्ट किया अपने आप को। जैसे कि एक आपने इंडोनेशिया का नाम सुना होगा, देश है। अब इंडोनेशिया में आप देखोगे कि तो वहां पे बहुत सारे द्वीप हैं, आइलैंड है ना, इंडोनेशिया जो है वो अलग अलग आइलैंड का वो है। तो वहां पर एक आइलैंड में क्या हुआ कि जब एक वक्त ऐसा था कि समुद्र का पानी नीचे आ गया था, वक्त रहा होगा किसी भी कारण से समुद्र का पानी नीचे आ गया, तो उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए रास्ता मिल गया होगा कि भाई इस जमीन से उस जमीन तक चले गए, तो कुछ लोग जो थे वो गए उस टापू में चले गए। फिर क्या हुआ कि वो समुद्र का पानी बढ़ गया, अब समुद्र का पानी बढ़ गया तो वो लोग उसी टापू में बस के रह गए, ठीक है। अब चूंकि टापू छोटा था, ठीक है, खाने का साधन कम थे, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन्होंने वहां पर एडेप्टेबिलिटी करना शुरू की, क्योंकि खाने के रिसोर्सेज बहुत कम है, ठीक है, अब पेड़ नहीं है तो जानवर ज्यादा नहीं खा पा रहे हैं, तो उनकी हाइट छोटी रह गई, ठीक है। तो अब इंसान भी जानवर खा के जिंदा रहता है, तो इंसान भी जो क्योंकि उस इंसानों के पास खाने की लिमिटेशन है, तो इंसानों की हाइट छोटी रह गई, तो जो और एंसेस्टर थे जो केनिया से निकले वो निकले एक साथ थे, लेकिन जब वहां पे गए तो वहां के एनवायरमेंट के हिसाब से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया और वहां पे देखा कि 4-4 फीट के लोग रह गए। उसी समय पे जो नेथेंडरलैंड में गए उन्होंने अपने आप को उस एनवायरमेंट में चेंज किया, यूरोप में क्या ठंडा बहुत पड़ता है, तो आप देखोगे उनकी जो स्किन का कलर है वो चेंज होना शुरू हो गया। गोरे क्यों होते हैं वो लोग, गोरे हो गए ना, स्किन कलर चेंज होना शुरू हो गए, तो उन्होंने वहां पे एडेप्टेबिलिटी कर ली उन्होंने चीज के लेकर, तो ये भी करा। इंडिया में जो आए वो अलग, एक सवाल बनता है कि इंडिया में पहली बस्ती कहां बसी, पढ़ेंगे इसको, कि इंडिया में सबसे पहले आके कौन कहां बसा, ठीक है, तो वो वहां से चीज शुरू हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस के अंदर, इस 30 लाख साल के प्रोसेस के अंदर, सबसे पहले एक चीज समझना कि शुरू के इंसान जो है वो फूड चेन में बीच में है। अब फूड चेन में बीच का मतलब क्या है, हमें पता है कि छोटे जानवर को बड़ा जानवर खाता है, बड़े जानवर को और बड़ा जानवर खाता है, ठीक है। तो इंसान का जो समय था वो बहुत एक ऐसा समय रहा है जब वो फूड चेन में वो शेरों से नीचे था, शेर सबसे ऊपर थे, उससे नीचे वाले में इंसान हुआ करता था, यानी कि इंसान को शेर भक्षण कर सकता था। अरे फूड चेन, अगर फूड आप लोग फूड देखा होगा ना कि साइकिल लेती है, तो इंसान को जहां पे था, इंसान जरा डरा डरा सा,
क्योंकि उसके पास नाखून नहीं है, उसके पास दांत नहीं है। भाई शेर के पास तो नाखून है, दांत है, या चमड़ी है, या ताकत है, इंसान के पास तो कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। अभी तक उसने अपना ब्रेन उसका डेवलप नहीं हुआ है, वो ब्रेन का साइज भी बढ़ेगा। अगर आप देखोगे कि होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस और नेथेंडर और सेपियंस की अगर आप ओरिजिन देखोगे तो आप देखोगे होमो हैबिलिस बहुत छोटा सा बुद्धि है, छोटा सा ब्रेन है, और आज का जो इंसान है उसका ब्रेन लगभग 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर है, और जब ये हैबिलिस का है 400-500 क्यूबिक सेंटीमीटर, मतलब छोटा सा। छोटा ब्रेन का मतलब क्या है कि न्यूरॉन्स कम होंगे, न्यूरॉन्स साइंस पढ़ा ना, तो न्यूरॉन्स कम होंगे खोपड़ी के अंदर, मतलब समझने की शक्ति कम होगी। आज का ब्रेन थोड़ा बड़ा है तो 1600 इतना बड़ा है तो ज्यादा न्यूरॉन्स होंगे, सिर्फ ज्यादा समझ पा रहा है, ठीक है। तो इंसान अभी तक अपनी पोटेंशियल को समझ नहीं पाया है, कब, आज से लगभग 1000,000 साल पहले तक की बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। वो चुपचाप जो पेड़ से चीजें होती थी उन्हें खाता था, या अगर कोई शेर किसी शिकारी मतलब किसी हिरन को मार दे, मतलब उसने किसी हिरन को मारा, मारने के बाद शेर ने खा लिया, अब इंसान चुपचाप बैठा देख रहा है कि भाई ये शेर जो है वो खा के चला जाए, उसके अब शेर ने खा के चला गया, उसके बाद लकड़बग्घे, सेकंड लकड़बग्घे वो आए, उन्होंने खाया, उन्होंने खाने के बाद जब वो भी चले जाते हैं तब इंसान झाड़ी से निकल कर छुप छुपा कर उस जानवर के उस पर जाता था और तब बच्चा कुछ ना कुछ खाता था। अब क्या बचेगा भाई, शेर खा गया, लकड़बग्घे खा गया, तो मांस तो कुछ बचेगा नहीं, नहीं उसमें हड्डियां होती थी, उन हड्डियों को तोड़कर जो अंदर का बोन मैरो निकलता है, अस्थि मज्जा जो होता है वो खाया करता था। तो लाखों साल इंसान ऐसे ही सरवाइव किया, उसको डर ये भी था कि वो खा रहा है तो पीछे से कोई शेर ना आ जाए, ये भी डर था, ठीक है। अभी तक आग का आविष्कार नहीं हुआ है, आग नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, अभी तक उसकी हालत बहुत खराब है, बस इसी तरह से जीवन काट रहा है। अब दो पैरों पर चलने के कारण दिक्कत ये हो गई कि जो महिला इंसान है, यानी कि होमो हैबिलिस, फीमेल होमो हैबिलिस होंगी, जो बच्चों को पैदा करती हैं, तो उस प्रोसेस में बहुत दिक्कत आना शुरू हो गई, क्योंकि पैरों पर खड़े होने से उनके जो बच्चे निकलते थे वो गिर के मरना शुरू हो गए, दिक्कत आ गई, हड्डी छोटी पड़ गई, तो जो खोपड़ी बच्चे की होती है वो निकल नहीं पाती थी। इस कारण से बहुत सारे फीमेल होमो हैबिलिस वगैरह मर गई, मतलब ये इवोल्यूशन हो रहा है, ये बदलाव हो रहे हैं। आप चार पैरों पे खड़े होते हो तो अलग आपकी स्ट्रक्चर है, आप दो पैरों पे खड़े होते हो तो अलग स्ट्रक्चर, आप चलने तो लगे, लेकिन आपको उसके साइड इफेक्ट भी तो होंगे। तो पहला साइड इफेक्ट क्या था कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, बच्चों का सर तो बड़ा ही है ना, लेकिन उनको निकलने का रास्ता छोटा हो गया, तो इससे क्या हुआ कि माएं मरना शुरू हो गई, ठीक है, बहुत सारी मिसकैरेजेस होना शुरू हो गए, बहुत सारी डेथ इससे डेथ हुई है, बहुत सारी डेथ हुई है। धीरे धीरे फिर इसके अंदर बदलाव होना शुरू हुआ, पहली चीज तो ये हुई। दूसरा क्या आप देखते हो, आप लोग देखते हो कि आपकी कमर में कुछ ज्यादा देर तक आप खड़े हो जाओ, कुछ काम कर लो तो आपकी कमर में दर्द हो जाती है, कंधे में दर्द हो जाता है ना, ये सेम साइड इफेक्ट है, क्योंकि आप चार पैरों से दो पैरों पर खड़े हुए हो, तो जो आप इंसान कमर का दर्द और कंधे का दर्द आज महसूस करता है वो कहीं नहीं उसके कारण, उसी चीज के कारण है कि हम जो चार पैरों के जगह दो पैरों पर खड़े हो गए। अब कुत्ते को खड़ा कर लो दो पैरों पर और खुद देर तक खड़ा रखो, उसकी खुद ही कमर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी उस तरह से बनी हुई है। तो इंसान ने जब अपने आप को चेंज किया तो कुछ साइड इफेक्ट्स उसको महसूस आज भी महसूस करता है। अब लगभग 3-5 लाख साल चल पहले की बात है, ठीक है, किसी तरह से भाई इंसान को ना आग के बारे में पता लग गया, आग, अब आग के बारे में पता लगा तो आग तो पहले तो आग जलाई, ठीक है, तो उसको लगा कि हाँ भाई इससे कुछ हो तो रहा है। लेकिन आग ने 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट काम किए। पहला काम किया कि आग ने पहले तो प्रोटेक्शन दिया, गर्मी सर्दी, एक तो सर्दी से प्रोटेक्शन दे दिया, और दूसरा जानवरों से प्रोटेक्शन देना शुरू किया, ठीक है, अब शेर वेर नहीं आ पा रहे थे उसके पास, अगर आग जला लेता था कर लेता था। दूसरा क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा कि अब इंसान जो है वो पका हुआ खाना खाता है, मांस को लिया उसने आग में डाल दिया वो पक गया। अब पकने से क्या हो गया बताओ, क्या फर्क पड़ा,
पकने से मांस सॉफ्ट हो गया, मांस सॉफ्ट हो गया, मांस सॉफ्ट होने से जो वो चबाता है उस मांस को तो उसकी जॉज जो है वो कम ताकत लगती है। अब कच्चा मांस खा रहा है तो उसको ज्यादा ताकत लगती है इन जबड़े की, लेकिन जब पका हुआ मांस खाएगा तो इन जबड़ों की ताकत थोड़ी कम लगेगी, तो धीरे धीरे ये जबड़े छोटे हो गए, ठीक है। लेकिन उससे भी ज्यादा आप कहते ना, आपको क्या कहते हैं उसको, स्लिम वाले जो बॉडी होते हैं एक्टर बड़े पसंद आते हैं कि बिल्कुल वीक कट बाल को होना चाहिए, चिन साफ दिखनी चाहिए, स्मार्ट लगता है, तो वह हंसना शुरू हो गया। खैर, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हुआ। देखो बेटा, हमारे शरीर में ना कौन सा पार्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है? माइंड। तो इंसान जो भी खाना खाता था उसका 25% एनर्जी दिमाग ले लेता था। तो जब 25% दिमाग ले लेता था तो बार बार उसे भूख लगती थी, ठीक है, तो उसे बार बार शिकार करना पड़ता था। बार बार शिकार करने का मतलब कि बार बार अपनी लाइफ को रिस्क में डालने का, क्योंकि हर बार उस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, शेर का खाना या लकड़ बग्गे का खाना निकाल रहा है, तो रिस्क हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो कच्चा खाना खाते थे, जो आंत होती थी इंटेस्टाइन्स, ये बड़ी बड़ी हो गई थी इंटेस्टाइन, अब ये भी एनर्जी बहुत सोख रहे थे। तो एक तरफ तो दिमाग बहुत एनर्जी ले रहा है और दूसरी तरफ इंटेस्टाइन भी एनर्जी बहुत ले रहे हैं, तो इंसान जरा ऐसी भी हालत खराब हो जा रही है उसकी कि दिमाग भी यूज कर रहा है, इंटेस्टाइन भी कर रहा है, तो सर्वाइवल मुश्किल हो गया। इसी बीच में आंख की खोज हो गई। जब आंख की खोज हुई और जब पका हुआ खाना खाना शुरू किया तो वो पके खाने से इंटेस्टाइन जो है उसको बहुत रिलैक्स हो गया, अब उसके लिए इजी पड़ गया, तो इंटेस्टाइन छोटे होने शुरू हो गए, छोटे हो गए, ठीक है, छोटे होने शुरू हो गए, तो एनर्जी कम कंज्यूम करते थे। अब जब एनर्जी कम कंज्यूम करते थे तो दिमाग ही सिर्फ एक जो था ज्यादा ले रहा था, अब उसे कम खाना पड़ता था, तो ज्यादा पहले वो ज्यादा खाता था क्योंकि ब्रेन और इंटेस्टाइन दोनों ज्यादा एनर्जी लेते हैं, अब क्या है सिर्फ ब्रेन लेता है, तो उसको रिस्क लाइफ कम हो गया, उसका रिस्क फैक्टर कम हो गया, ठीक है। अच्छा, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसे खाना खाने लगा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसने टूल्स देखना शुरू किए। टूल्स कौन से? पत्थर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे हाथ में है वो है अंगूठा। किसी भी जानवर का अंगूठा इतना काम का नहीं जितना हमारा काम का अंगूठा है। अगर अंगूठा ना रहे तो आप देखोगे कितना फर्क आप महसूस करोगे आप अपने डे टू डे काम में। तो इंसान को इस अंगूठे की ताकत थोड़ी समझ में आई तो उसे पत्थर उठाना शुरू किया, तो पत्थरों का पहली बार टूल के रूप में स्टार्ट किया, ठीक है। तो एक तरफ तो आग आ गई है, पत्थर आ गया, पत्थर ऐसा टूल हो गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ जो इंसान है वो फूड चेन में ऊपर आना शुरू हो गया और ऊपर आ गया, टॉप पे आ गया। अब वो शेर से प्रोटेक्शन कर पा रहा था क्योंकि उसके पास आग थी, ठीक है ना। अब खाने के लिए पका हुआ खाना खा सकता था, ठीक है, हथियार के रूप में उसका टूल्स थे क्योंकि अंगूठा इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है। तो ये हो गया, अब वो शेर से ऊपर आ गया, अब शेर भी कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा उसका। चलिए, ये तो हो गया, लेकिन ये सब होते होते भी 2 लाख साल पहले ही हुआ है, और ऐसा नहीं था कि आग की खोज तुरंत हुई और तुरंत हो गया। आग की खोज 8 लाख साल पहले हुई है और यहां तक आने में 2-3 लाख साल, मतलब कि 4-5 लाख साल तो आग की खोज के बाद भी यही सब रहा है। तो ट्रांजिशन बहुत तेजी से नहीं हुआ, बहुत स्लो हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो लोग जो थे, जो कुछ लोग चले गए एशिया की तरफ, कुछ लोग चले गए यूरोप की तरफ, इसी बीच में एक और प्रजाति स्टार्ट होती है अफ्रीका से, जिसको बोलते हैं होमो सेपियंस। ज्यादा दिमाग वाला इंसान है, बुद्धि ज्यादा इसके अंदर है, ज्यादा बेहतर तरीके से वो टूल्स को कर सकता है, बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है लोगों से। इंसान और जानवर में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क है अपनी जो बात को पहुंचा पाना। मान लो कोई बंदर खड़ा है, बंदर अपने ग्रुप में खड़ा है, तभी वो शेर देखता है और उसको ये बोलना है कि भागो शेर आया, तो क्या बोलेगा? खाली एक ही बोलेगा ना, भागो, अपनी भाषा में भागो। लेकिन इंसान क्या है, इंसान के पास वो लचीलापन है, वो बता पाएगा अपने लोगों को कि देखो भाई शेर इतनी दूर है, एक है या 2 शेर हैं और हमें यहां से भागना है, ऐसे बचना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इंसान के विकास में आई वो है कम्युनिकेशन की पावर, जो कम्युनिकेट कर पा रहे हम लोग, कोई और नहीं कर पाया कम्युनिकेट, हमने कर पाया, ये है हमारी स्ट्रेंथ,
ठीक है, और इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। धीरे धीरे क्या हुआ, जब होमो सेपियंस आगे आए तो देखते क्या है कि भाई एशिया में तो होमो इरेक्टस बैठा हुआ है, उधर वो मेथेंडर बैठा हुआ है। तब हुई लड़ाई, लड़ाई हुई, लड़ाई में माना जाता है, अब यहां पर थोड़ा सा डिस्प्यूट है रिसर्चर्स का, कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाई हुई और लड़ाई में होमो सेपियंस ने सबको हरा दिया और एक क्षेत्र राज कर लिया। एक और थ्योरी आती है, वो ये बोलते हैं कि नहीं इंटरमिक्सिंग हुई है, यानी कि शादी ब्याह हुआ और वो मिक्स कर गए। लेकिन जो लेटेस्ट बात पे आया है वो ये आया है कि इंटरमिक्सिंग भी हुई है और लड़ाई भी हुई है, ठीक है, दोनों चीज़ें हुई हैं। लेकिन अंत में ये हुआ कि होमो सेपियंस भैया वो विजय घोषित हो गए। अब फर्ज करो कि अगर आज नेथेंडर भी होता, होमो सेपियंस तो है ही हैं, होमो इरेक्टस भी होते, तो लाइफ कितनी दंगी होती। आप तो होमो सेपियंस, हम तो होमो सेपियंस हैं, हम बोलते कि भगवान होता है, नेथेंडर कहता भगवान होता ही नहीं भाई, हम नहीं मान रहे, होमो इरेक्टस करके यार वो कुछ नहीं होता, हाँ तो वो नहीं मानता वो। लेकिन अब देखो प्रजाति अलग अलग है, तो यू नेवर नो क्या होता, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्या अभी भी लड़ते रहते, जैसे कुत्ते लड़ते रहते आपस में, एलसीशन के सामने बुलडॉग खड़ा कर दो तो लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे, हैं वो कुत्ते ही, लेकिन लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। लेकिन तो कहने मतलब यहाँ पे कि एक वक्त ऐसा था जब पृथ्वी पर एक ही टाइम पर इंसान के भी 4-5 प्रजातियां थी, ये सच है। लेकिन बाद में होमो सेपियंस डोमिनेट कर गया और फिर वही कर रहा है। तो यहां तक तो आपके एनसीईआरटी में कुछ है ही नहीं, लेकिन एग्जाम में तो है, ठीक है, मैंने मोटा मोटा अभी आपको नोट करना है, लिखना है, मैं पीडीएफ दे दूंगा बाद में, लेकिन आपको ये नोट कर लेना है। अब क्या हुआ, होमो सेपियंस बन गए, होमो सेपियंस आकर बसना शुरू हुए, ठीक है।